हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर। आई वुड लाइक टू से दैट कीप योर मोबाइल एट लीस्ट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम योर आईज। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था हमारा। डिफाइन द फॉलोइंग, इसी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शीट कैप। शीट कैप क्या होती है? ईच एक्सेल डॉक्यूमेंट हैज वन और मोर शीट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए वर्कबुक। देखिए, जो एक्सेल डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या होती है, जो आपकी वर्कबुक होती है उसमें आपकी शीट्स होती है, इनसे मिलकर आपकी एक वर्कबुक तैयार होती है। और जो आपकी वर्कबुक होती है उसमें आपकी मिनिमम 3 वर्कशीट होती है। इट हेल्प्स टू मूव वन शीट टू अनदर। इसमें होता है क्या है कि जब आपको एक शीट से दूसरी शीट पे जाना होता है सेम वर्कबुक में, तब हम शीट कैप का यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। एमएस एक्सेल इज द कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज। जो आपका एमएस एक्सेल है वो आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज का एक पार्ट है। जैसे कि उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेल। ए शीट कंटेंस, जो शीट होती है वो बनी होती है आपकी रो और कॉलम से। उसमें आपकी जो रोज होती हैं 10,48,576 तो रोज होती हैं जो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, जबकि जो कॉलम होते हैं 16,384 आपके कॉलम होते हैं जो होते हैं आपके वर्टिकल इस तरह से। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इन ए वर्कशीट, किसी भी वर्कशीट में जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसको बोलते हैं लोग सेल। और सेल को हम कह सकते हैं ये सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जो आपका सेल बनता है वो बनता है जब आपके रो और कॉलम एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं तब आपका एक सेल बनता है जिसमें हम लोग अपने वर्क को देते हैं। टाइटल बार इज अवेलेबल ऑन द टॉप ऑफ एमएस एक्सेल विंडो। जो टाइटल बार होती है वो होती है एमएस एक्सेल के टॉप में, जो हमें बताती है कि हम किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। द सेल एड्रेस इज अ रेफरेंस ऑफ कॉलम एंड रो नंबर। जो सेल एड्रेस होता है वो बताता है कि हम किस रो में किस कॉलम में वर्क कर रहे हैं। और हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है और हर कॉलम रो उसमें क्या होता है नंबरिंग भी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वर्क आपको याद भी करना है और उतारना भी है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी जो लास्ट पर है वो इनकम्प्लीट है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा या एसएमएस करना होगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।